सो so, सर कैसे हो आप सभी लोग आयोग सभी लोग बड़े हो गए आगे वैसे बड़े सो so, अगर आप लोग का ना थोड़ा सा भी मूड खराब है तो इस वीडियो को पूरा देख लो क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम लोगों को गुड न्यूज देने वाला हूँ मतलब इसी वीडियो के अंदर तुम लोग गुड न्यूज आने वाला है क्योंकि भाई हमारे इंडिया सर्वे ऊपर वापस से रेडिंग कोड आने वाला है सो जहाँ पे कौन सा इवेंट का रेडिंग कोड आने वाला आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ में कहीं जहाँ पे डेट के बारे में बात करने वाले सो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रेडिंग कोड के बारे में ठीक है और उसके अलावा कहीं जहाँ पे बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे मतलब कुछ बंदे पूछ रहे थे कि भाई आपका वी बैच कह गया तो ये जो टॉपिक है ना आप लोग बहुत ज्यादा

को पे पोस्टर देखने को मिलेगा जहां पे विंटर टूर्नामेंट नाम विंटर इविटेशन लिखा हुआ है और मतलब नहीं है क्योंकि घंटा में नहीं देखने को मिलने वाला क्योंकि भाई कुछ यहाँ पे टीम रहती, रहती है हमेशा टूर्नामेंट में वही खेलती है तो कई हमेशा की तरह वही जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर ठीक है तो भाई उसमें हम लोग को कुछ नहीं लेना देना है बाकी इस इवेंट के अंदर से रेडिंग कोड क्यों मिल सकता है मैं आपको बता देता हूँ आप लोग को याद होगा ये इवेंट मतलब एकदम सिमिलर इवेंट आप लोग को लास्ट टाइम हमारे दिसंबर महीने के अंदर देखने को मिल रहा था जिसके अंदर आप लोग को रिक्शा का स्किन जो है टूक टुक वाला जो गेम नहीं है मतलब सॉरी टुकटुक वाला जो गेम के अंदर स्किन है तो कैसे आप लोग को वो स्किन देखने को मिल रही थी हमारे लास्ट ईयर और पे कुछ वाउचर्स वगैरह भी देखने को मिल रहे थे बताना मेरे को जरूर से आप में से कौन कौन ऐसा था जो कि मेरी वीडियो को लास्ट ईयर देख के रेडीम किया था रेडीम किया था मतलब उस चीज को ठीक है और कौन कौन है पे किसको किसको पता है इस चीज के बारे में तो कैसे जो हमारा पिछला साल था उस टाइम तो देखने को मिला बाकी पे ये पार्ट टू आ रहा है मतलब पार्ट टू या फिर बोलेंगे सेकंड टाइम आ रहा है हमारे इंडिया के ऊपर जो विंटर इन्विटेशनल है ठीक है तो भाई यहाँ पे देखो मैं तुम लोगों को बता दू डेफिनेटली गए तुम लोग को इसमें रेडिंग कोड मिलने वाला है क्योंकि गेरना, फ्री फायर को खुद ही पता है कि अगर वो रेडिंग कोड नहीं देंगे तो इनके टूर्नामेंट के ऊपर घंटा भी वॉचिंग नहीं आने वाली है ठीक है तो भाई इसके चलते तो आप लोग को रेडिंग कोड तो फॉर श्योर देखने को मिलेगा इसके डेट के बारे में बात करें तो पे पंद्रह से लेकर पच्चीस तारीख के बीच में हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है उसके पहले भी आप लोग को देखने को मिल जाए ठीक है तो भाई कुछ भी हो सकता है मैं इसके रिगार्डिंग आप लोग कन्फर्म डेट नहीं बता सकता हूं क्योंकि अभी तक यहाँ पे मेरे को पता नहीं है ठीक से तो यहाँ पर सीन बाकी यहाँ पर वगैरह के बारे में मैं तुम को इस वीडियो के पार्ट सेकंड में बता दूंगा मतलब

से किया क्योंकि मेरे को अंदर जाके चेक करना था और गई यहां पे मैंने काफी सारी चीजें देखी क्योंकि भाई काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे ठीक है और गई आप लोग में से कुछ लोग मेरे को पूछे थे कि भाई तुम्हें क्या किक किया गया फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के अंदर से तो भाई मैं तुम लोग को क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि फ्री फायर जो पार्टनर प्रोग्राम रहता है उसके अंदर कुछ यहाँ पे गाइडलाइन टाइप की होती है ठीक है और वहाँ पे रूल्स बताए जाते हैं हम लोगों को कि भाई ये रूल्स को क्रॉस नहीं करना है वरना आपको रिमूव किया जा सकता है और वार्निंग बहुत बार देते हैं वो लोग ठीक है तो भाई देखो मैंने तो पहली बात कोई अपने चैनल के ऊपर मतलब ऐसा कंटेंट डालना नहीं है ठीक है जिससे आप लोगों को पता होगा मैं हैकर रिलेटेड कंटेंट डालता नहीं हूँ और इस यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं हैकर रिलेटेड नहीं डालता साथ में गोल्डन मूड स्पैम टाइटल भी यूज नहीं करता तो यार मेरा तो भाई किक होने का कोई चांस

जो रूल्स वगैरह था ना कि भाई ये मत करो वो मत करो वो मेरे को थोड़ा सता रहा था ठीक है तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया बाकी यार जो भी वी बैच वगैरह के लिए कह रहे थे ना भाई मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई मैं गेम ही नहीं खेलता तो मेरे को उतना वी बैच वगैरह से फर्क नहीं पड़ता और मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता ठीक है मतलब यार पहले मेरे को बहुत मन करता था कि भाई वी बैच मिल जाए वी बैच मिल जाए बट हाँ एक टाइम के बाद कॉमन कॉमन लगने लगा तो भाई अब मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ा था कि रिमूव हो जाएगा या फिर नहीं ठीक है वैसे तो मैंने एक महीने पहले ही छोड़ दिया था और बाकी देखो मैं पूरा नहीं छोड़ा हूँ ठीक है पार्टनर को मैंने पूरा नहीं छोड़ा है मतलब यार मेरे को अभी मर्चेंडाइज वगैरह ये सब मिलती रहती है तो जैसे मनी हाइस्ट वगैरह कहा है ठीक है तो ये सब मेरे को मिलती रहेगी आगे भी तो इसका कोई दिक्कत नहीं बट हां जैसे कि मेरे को एक्सक्लूसिव आइटम वगैरह हो गए तो ये सब गाइज अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं अभी जो फॉर्म वगैरह वो फिल नहीं करूंगा और हां कहीं ना कहीं ये भी वजह थी कि भाई मेरे को इंडिया सर्वर वालों को सपोर्ट करना था क्योंकि भाई हैश नोटॉप वगैरह यूज कर रहे थे तो आप लोग को पता है मैंने एक पार्टनर प्रोग्राम कर रहे के भी ये सब काफी ज्यादा किया तो इसके चलते गए मेरे को बोलते थे वो लोग कि भाई मत करो ये मत करो तो गाइज मैंने फिर भी किया यार क्या ही बोले ठीक है तो यार इसके चलते गए जहां पे मैंने इसको छोड़ा है बाकी कोई खास रीजन नहीं है मेरे को केक वगैरह नहीं किया गया मैंने अपने डिसीजन के हिसाब से डिसाइड कियाते so, तो तो मतलब मैं तो को ये दो हफ्ते पहले लिख देता था था तो आइटम अगर कोई सीन नहीं है वी बैच की बात तो भाई मेरे को वी बैच से घंटा फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो उम्मीद करता की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाने को मिलेगी बहुत सारी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ थोड़ा आप लोग दिल जरूर खुश हुआ होगा क्योंकि भाई हम आपको बताएं अभी यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट के बारे में तो अगर आप लोग थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल भी सेट कर लेना चलोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टिल देन टेक केयर बाय बाय